एंड जब पैनिक अटैक एक बार डायग्नोज हो जाए, देर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जिससे पेशेंट को कंफर्टेबल किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, स्कूल कॉलेजेस, उसमें एनजाइटी, एग्जाम्स की एनजाइटी, सोशल इंट्रैक्शंस, उसमें पैनिक अटैक्स ट्रिगर हो सकते हैं. कुछ और बुरी खबरें हैं जो कि पैनिक अटैक्स को ट्रिगर कर सकती हैं. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फहमीना, अर्जुना हॉस्पिटल में ऐसे कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन काम कर रही हूं. पैनिक अटैक्स ऐसी एपिसोड्स जिसमें पेशेंट हद से ज़्यादा खौफ और परेशानी महसूस कर रहा होता है. पैनिक अटैक्स में कुछ ऐसी सिम्टम्स होती हैं जो पेशेंट के लिए अनबियरेबल होती हैं, जैसा कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट और हैवीनेस, सांस का रुकना, सांस में दुश्वारी महसूस होना, पेशेंट कांपने लग जाता है, उसे स्वेटिंग शुरू हो जाती है, तेज़ी तेज़ी से सांस लेने लगता है, अक्सर औकात पेशेंट्स साथ में रोना शुरू कर देते हैं. ऐसी एपिसोड को यूजुअली पैनिक अटैक्स का नाम दिया जाता है. पैनिक अटैक्स की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स या सिचुएशंस की वजह से ये अटैक्स ट्रिगर हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल कॉलेजेस, उसमें एनजाइटी, एग्जाम्स की एनजाइटी, सोशल इंट्रैक्शंस, उसमें पैनिक अटैक्स ट्रिगर हो सकते हैं. कुछ और बुरी खबरें हैं जो कि पैनिक अटैक्स को ट्रिगर कर सकती हैं. इशू ये है कि इसको बरवक्त तशखीस करना और इसका ट्रीटमेंट करना इज़ वेरी मच असेंशियल. बसाओकात पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स मोर और लेस रिजेंबल कर रही होती हैं विद सम हार्ट डिजीज़, लेकिन अगर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन को अच्छी तरह से प्रोब किया जाए तो अक्सर औकात पैनिक अटैक्स को डायग्नोज करना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. पैनिक अटैक्स के पेशेंट मल्टीपल टाइम्स पे इन्वेस्टिगेट हुए होते हैं फॉर सम हार्ट रीजंस, फॉर सम लंग इश्यूज, एंड जब पैनिक अटैक एक बार डायग्नोज हो जाए, देर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जिससे पेशेंट को कम्फर्टेबल किया जा सकता है. लाइक बिहेवियरल थेरेपीज हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट हेल्प आउट कर सकते हैं, मेडिसन्स हैं जिनमें एंटी एनजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस आ जाती हैं. इसी तरह से सोशल सपोर्ट है बाय फैमिली फ्रेंड्स. पेशेंट को साइकोलॉजिकल थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी के बाद इस काबिल किया जाता है कि वो अगर उसी सिचुएशन का दोबारा से सामना करता है तो इस तरह के अटैक्स या इस तरह की एपिसोड्स ट्रिगर ना हों. इसलिए पैनिक अटैक्स को प्रॉपरली डायग्नोज करना, उनको टाइमली बिहेवियरल थेरेपीज और मेडिसिन से ट्रीट करना इज़ वेरी मच असेंशियल.